और मनीष जी ये खैराती कितने बिके हुए, कितने बिकाऊ और दलाल हैं आज, क्योंकि आज ही छठा चरण समाप्त हुआ, तो जरा वो भी आज मनीष जी इनको इनके छिलके हम लोग उतारे। ये बड़ा माहौल है, मुझको लोग परेशान किए, अरे भाई साहब क्या होगा, 372 आएंगे कि नहीं, सरकार बनेगी कि नहीं। तो वो पूरा खेल जो लोग आज ये माहौल बना रहे हैं, तो केवल इतना याद दिला दूं कि 2019 में ये यही कर रहे थे, लिखा पढ़ी में कर रहे थे ये, 2019 में भी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर रहे थे। और जरा मनीष जी दिखा दीजिए, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो हाहाकार मचा हुआ है कि अरे ये 400 छोड़ो, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, वो इनकी देन है, और इनके झूठ, इनकी मक्कारी, इनकी दलाली, इनकी जालसाजी की देन है। जरा 2019 में देखिए, और एग्जिट पोल तक में झूठ बोल रहे थे मनीष, एग्जिट पोल तक में झूठ बोल रहे थे, दिखाइए और निर्लज्जता देखिए, सब कुछ करते हैं उसके बाद फिर शर्म इन्हें नहीं आती है। आप 2019 के एग्जिट पोल को समझा रहे हैं, पहले किनारे वाला दिखा दीजिए मनीष जी, जरा एग्जिट पोल देखिए क्या बता रहे थे ये, एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी को क्या बता रहे थे। और अभी इसमें दो लोगों को मैं जरा खास करके चिन्हित करूंगा कि इंडिया टुडे एक्सिस, उसने तो 352 दिया, न्यूज 24 ने 350 दिया, चाणक्य वाले ने, न्यूज 18 ने 336 दिया था। ये एग्जिट पोल जब वोट पड़ चुके थे, और टाइम्स नाउ ने 306 दिया, सुवर्णा ने 305 दिया, इंडिया टीवी ने 300 दिए थे, इंडिया न्यूज ने 287 दिए थे। सी वोटर, अभी इस पे आऊंगा मनीष जी, ये सी वोटर ये एग्जिट पोल में बता रहा था कि एनडीए, ये भाजपा नहीं, एनडीए को 287 सीटें आएंगी, न्यूज नेशन छोड़ दिए। और वो ये CHDS, ये दो बड़े बहुत खलीफा हैं, ये बड़ा पोल और बड़ा सेपोलॉजिस्ट है, हिंदुस्तान के बड़े दिग्गज हर चैनल पे आके डट जाते हैं। वो CHDS, ABP CHDS ये दे रहा था मनीष जी 277 एग्जिट पोल वाले दिन, जिस दिन पोलिंग खत्म हो गई थी, और एक न्यूज एक्स में कोई नेता है वो दे रहा था 242, और आई थी सीटें 353। ये याद करिए, ये एनडीए की सीटें हैं, ये CHDS वाला जो हराम की तोड़ रहा है सरकारी, ये वो आता संजय कुमार मनीष जी, हर चैनल पे, हर चैनल ऐसा बताता है कि जैसे सेफोलाजी इनसे पैदा हुई थी और इनके बाद सेफोलाजी खत्म हो जाएगी, इतने बड़े महान है, जो कुछ ये कहते वही सत्य है। और ये 277 सीटें एग्जिट पोल में दे रहा था। अब आता हूं मनीष जी ओपिनियन पोल, जहां से इन्होंने हवा बनाई थी, जरा नरेंद्र मोदी के बारे में ये क्या कह रहे थे 2019 के, ये ओपिनियन पोल की सूची है, दरअसल इसको मेरे ट्विटर पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अप्रैल 2019 में मनीष जी टाइम्स ना, वो VMR को एजेंसी है, वो एनडीए को सीटें दे रहा था 279 सीटें आई, 353। इंडिया टीवी CNX सीटें दे रहा था 275 सीटें आई, 353। टाइम्स नाउ VMR 283, ये अलग अलग डेटों पर जो कर रहे थे, आई सीटें दे रहा था 283 एनडीए को, सीटें आई थी 253। और न्यूज ने सर वो उसका पता नहीं कौन सी आंखें लगी थी, वो बता रहा था कि 270 आएंगी, नहीं 272 भी नहीं पाएगी एनडीए, सीटें आई 353। मैं बार बार 353 याद दिला रहा हूं ताकि इनकी चोरी, इनकी दलाली, इनकी जालसाजी, इनकी मक्कारी, इनकी ठगी आप लोगों को पता चले। और सी वोटर मनीष जी, वो तो संघ में पता नहीं चतुर्थ वर्ष की चौदहवा वर्ष का पाठ्यक्रम किया है, भाजपा का तो बड़ा VVIP है वो, सेफोलॉजिस्ट, बड़ा राष्ट्रवादी, बड़ा हिंदुत्ववादी वो 2019 में। और जरा तारीख बता देता हूं मनीष, मार्च 2019 में, यानी लोकसभा का चुनाव शुरू होने से ठीक एक महीना पहले, वो क्या माहौल बना रहा था कि मार्च में सी वोटर दे रहा था 264 सीटें एनडीए को, ये चुनाव से पहले, ये परम राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी ये काम कर रहा था ये, और 264 सीटें दे रहा था, सीटें आई 353। और बताता हूं मनीष जी, इंडिया टीवी अदालती संपादक ये दे रहा था 285, G24 264, VDP एसोसिएट 245, ये ओपिनियन पोल चल रहे थे, अब सीटें आ रही थी 353। ABP न्यूज सी वोटर मनीष जी, ये जनवरी 2019, जरा दर्शक सुने, ये सी वोटर यहाँ आ गया एबीपी के साथ, और यहाँ पे ABP न्यूज जनवरी 2019 में 233, ये चश्मा पीछे लगा के चल रहे थे, ये पीछे लगा चल रहे थे, इनको दिख नहीं रहा था, इनको सुनाई नहीं दे रहा था, इनको दिख नहीं रहा था। और ये बड़ी बड़ी टॉप की एजेंसी, मतलब जब जब चुनाव हो जाए हर चैनल पे दामाद बना के, जैसे कि बस बने का लग, ये एक ये सी वोटर वाला देशमुख और वो CHDS वाला संजय कुमार, या तो ये फालतू हैं
ये घूम रहे फालतू कह रहे उसी बुला लो भाई आ जाएंगे दोनों, तो दोनों आके बैठ जाते हैं। और या फिर ये ऐसा बताते हैं कि बस इन्हीं से सेफोलाजी पैदा हुई और इन्हीं से सेफोलाजी खत्म, और ये जनवरी 2019 में एबीपी सी वोटर के साथ, ये सी वोटर वाला यशवंत देशमुख ये कह रहा था कि 233 सीटें एनडीए की आएंगी। जरा ये इनकी असलियत थी। और मनीष जी जनवरी 2019 में इंडिया टुडे कारवी 237, वीडीपी एसोसिएट 225, ये जरा दर्शक समझे कि खेल क्या है। इंडिया टुडे का दिसंबर 2018 में 257, एबीपी न्यूज सी वोटर 2000 दिसंबर में 247, और वो कहां गया जरा उसका, हाँ एबीपी न्यूज सीएसडीएस मई 2018 274, यानी इनको एनडीए भी 272 के पास बना रहे थे, सब हंग बना रहे थे पार्लियामेंट, मतलब बहुमत पाने रही बीजेपी 2019 में सत्य, आपने बड़ा बढ़िया रिसर्च करके निकाला, ये सब साबित कर रहे हैं कि मोदी की सरकार 2019 में वापस नहीं आ रही है। अरे मनीष जी बड़ी बड़ी इन्होंने उलझन पैदा कर दी लोगों को, जो इनके कर्म नहीं जानते, इनकी करतूतें नहीं जानते, इनकी दलाली नहीं जानते, इनकी ठगी नहीं जानते, कैसे पैसा लेके ये झूठ फैलाने का, लोगों को बरगलाने का धंधा करते हैं, तो ये 2019 में यही कर रहे थे। अब जो आम आदमी सारे फलाना कह रहा था डिवा, अच्छा वो जब वो सीएसडीएस और ये सी वोटर वाले को ये न्यूज चैनल वाले आके बैठाते, इनका अलग गोरख धंधा है, ये मदारी की दुकान लगाए हैं, मदारी तरह इनको डमरू बजाना है, तो ये ऐसा बताते हैं बस, ये जो आगे बैठे हैं ये जो कह देंगे वो वही सही है, उसके अलावा सब गलत। तो ये इनको ऐसा देवता बना के प्रस्तुत करते हैं, इनका ढोल बजाना शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं, वही जैसे प्रधानमंत्री मोदी इनका कंधे लेके नाचने लगते हैं, तो ये सीएसडीएस के हैं, ये सी वोटर के हैं, इनको लेके नाचना सब शुरू करते हैं कंधे में, तो आम आदमी सोचता है बड़े काबिल होंगे इनकी बात, ये तो ऐसा कह रहे हैं। और वो सीएसडीएस वाला उसको मनीष जी मैं बरसों से देख रहा हूँ, वो सीएसडीएस में सरकारी अनुदान की रोटी तोड़ रहा है, और यही इसी नाम की केवल, और ये भाजपा को क्या कहूँ मैं, आज फिर विषय परिवर्तन हो जाएगा, कैसी इसमें मेहरबान है। और जब आता मतलब समझ लीजिए कि जनवरी 2019 में लोग 233-235 सीटें दे रहे थे नरेंद्र मोदी को।